नमस्कार, मैं आराधना मिश्रा, कक्षा षष्ठ की छात्रा, सरस्वती शिशु विद्या मंदिर राजरूपुर प्रयागराज में पढ़ती हूँ। मैं आप सबको एक प्रेरक प्रसंग सुनाना चाहती हूँ। एक बार की बात है, एक अध्यापक अपने छात्रों को जीवन जीने की कला सिखा रहे थे। उन्होंने एक छोटा सा बर्तन लिया, उसमें पानी डाला और एक मेढक डाल दिया। मेढक पानी में जाने के बाद मजे से तैर रहा था। थोड़ी देर बाद अध्यापक ने उस पानी को आग में रख दिया। आग में रखने के बाद पानी गर्म हो गया, लेकिन मेढक नहीं छटपटाया। थोड़ी देर बाद जब पानी उबलने लगा, तब भी मेढक नहीं छटपटाया और उस गर्म पानी के अनुकूल अपने आप को ढालने लगा। जब पानी बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया, तब मेढक ने सोचा कि मैं इस पानी से कूदकर बाहर निकल जाऊंगा। उसने बाहर निकलने की पूरी ताकत लगाई, लेकिन बाहर नहीं निकल सका क्योंकि वह अपनी पूरी ताकत खो चुका था। अंत में इसका परिणाम वही हुआ जो होना था। मेढक अपनी जान गंवा बैठा। तब अध्यापक ने अपने छात्रों से पूछा कि बताओ, मेढक की जान किसने ली। कुछ छात्रों ने कहा कि मेढक की जान आग ने ली और कुछ छात्रों ने कहा कि मेढक की जान गर्म पानी ने ली। लेकिन अध्यापक ने कहा कि नहीं, मेढक की जान न आग ने ली न ही गर्म पानी ने, मेढक की जान मेढक की सोच ने ली। क्योंकि अगर वो सही समय पर सही निर्णय करता तो उसकी जान बच सकती थी। तो यही चीज़ हमारे जीवन में भी होता है। हम सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं और हमें तब समझ आता है जब बुरी हालातें हमें चारों ओर से घेर लेती हैं। तथा इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें सही समय पर सही निर्णय करना चाहिए। यही जीवन जीने की सही कला है। धन्यवाद।